जय माता दी। दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि का पर्व 3 अक्टूबर यानी कल से शुरू हो रहा है। इन 9 दिनों में भक्त माता रानी की पूरी श्रद्धा अनुसार पूजा अर्चना करते हैं। वहीं कुछ साधक माँ को प्रसन्न करने के लिए 9 या जोड़े में व्रत रखते हैं। इन दिनों माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखने के साथ साथ उनकी विशेष पूजा पाठ भी की जाती है, लेकिन शास्त्रों में माँ नवरात्रि व्रत के जरूरी नियम भी बताए गए हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे नवरात्रि व्रत के नियम और व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, ताकि आपसे व्रत में कोई गलती ना हो और आपकी पूजा सफल और शुभ फलदायक हो। सबसे पहले आपको बता दें कि नवरात्रि व्रत रखने वाले जातक को पूरी तरह से पवित्रता का पालन करना चाहिए और शुद्धता का भी। इस व्रत में बेहद ध्यान रखने की जरूरत है। इस दौरान विचारों की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है। इस दौरान आपके मन में कई बुरे विचार, दूसरों के प्रति ईर्ष्या का कोई भाव नहीं रहना चाहिए। इस दौरान पूर्णता ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, साथ ही झूठ नहीं बोलना चाहिए। वहीं नवरात्रि का व्रत कर रहे व्रती को भूलकर भी व्रत के खाने में सफेद नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत भंग हो सकता है। सफेद नमक के स्थान पर व्रत में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। नवरात्रि व्रत में गेहूं और चावल जैसे नियमित अनाज का सेवन वर्जित माना जाता है। इसकी जगह आप सत्तू या सिंघाड़े के आटे का प्रयोग कर सकते हैं। इस व्रत को रख रहे हैं तो सुबह उठकर पहले नृत्य क्रिया से निवृत्त हो और फिर स्नान कर लें और माँ की पूजा करें। इस दौरान मन को एकदम शांत रखें और माँ की भक्ति में अपना मन लगाएं। माहवारी या अशौच की अवस्था में व्रत नहीं रखें। व्रत को माँ के पूजन और कन्या भोजन और हवन के बाद ही माँ से क्षमा मांग कर तब पारण करें या व्रत समाप्त करें। इस व्रत में प्याज और लहसुन जैसा तामसिक खाना पूरी तरह से वर्जित है। ऐसे में इस उपवास में किसी भी तरह के तामसिक चीजों का सेवन ना करें। बताते चलें कि जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें भी नवरात्रि के दौरान कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन, शराब, मांस आदि का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान तन और मन की स्वच्छता का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखें। खास तौर पर अगर आपके घर में नवरात्रि की पूजा हो रही है तो घर में तामसिक भोजन, मदिरा और मांसाहारी व्यंजन ना बनाएं और ना ही खाएं। इसके अलावा नवरात्रि के उपवास में आप फलों का सेवन कर सकते हैं। तो वहीं इस व्रत में जीरा पाउडर, हरी इलायची, काली मिर्च पाउडर, दालचीनी, अजवाइन, लौंग और काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप दूध, घी, दही, पनीर और खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।